हाय गाइस, वेलकम टू वेल्थ वावा। इस वीडियो में हम बात करने वाले टॉप 3 हॉट स्टॉक्स के बारे में, जिनमें शॉर्ट टर्म में यानी कि 2 से 3 हफ्तों में 13% तक का अपसाइड मिल सकता है। तो आप इन स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन हम उन स्टॉक्स के बारे में जाने उससे पहले, अगर आपने वेल्थ वावा के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक पर जाकर अभी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां भी आप लोगों के लिए डेली इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और नॉलेजेबल अपडेट्स प्रोवाइड की जाती हैं, जो कहीं ना कहीं आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहेंगी। और अगर आप ब्रोकरेज के नाम पर अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं तो इंडिया के बेस्ट ब्रोकर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से जाकर इंडिया के बेस्ट ब्रोकर के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारी लिंक से जाकर अकाउंट ओपन कराते हैं तो हम आपको अपने प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देंगे, जिसका मेंबर बनने के बाद आप मार्केट से पैसा इजीली अर्न कर पाएंगे। तो हम जानते हैं हमारे उन टॉप 3 हॉट स्टॉक्स के बारे में। लेकिन अगर हम उससे पहले बात करें तो महंगाई की चिंता के बावजूद भी अच्छे ग्लोबल संकेतों के दम पर कल के कारोबार में निफ्टी ने एक बार फिर लगातार 4 डे तेजी की मूड में रहा है और फिर ऑल टाइम हाई पर क्लोज हुआ। FMCG काउंटर में कल जोरदार जोश देखने को मिला है, जिसके चलते निफ्टी 15,869 के स्तर पर क्लोज हुआ है। बैंकिंग सेक्टर में अगर हम नजर डालें तो ICICI बैंक और एक्सिस बैंक ने भी अच्छा दम दिखाया है और बैंक निफ्टी को जोरदार सपोर्ट दिया है। डेरिवेटिव्स के मोर्चे पर देखें तो निफ्टी के लिए 16,000 की स्ट्राइक पर कॉल राइट्स के पास सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। आगे आने वाले कारोबारी सत्रों में 16,000 का स्तर अहम साइकोलॉजिकल लेवल का काम करेगा। वहीं अगर हम नीचे की तरफ देखें तो नीचे की तरफ निफ्टी के लिए 15,800 पर बहुत बड़ा सपोर्ट है। इस लेवल के आसपास पुट ड्राइवर बड़ी मात्रा में ओपन इंटरेस्ट जोड़ते दिख रहे हैं। टेक्निकल नजरिए से अगर हम देखें तो यहाँ बैंक निफ्टी और FMCG काउंटर काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ 35,500 के ऊपर इमीडिएट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जिसके ऊपर जाने पर निफ्टी बैंक में और तेजी आ सकती है और निफ्टी बैंक 36,000 की तरफ जा सकता है। तो ऐसे में हम जानते हैं हमारी उन टॉप 3 हॉट स्टॉक्स के बारे में। हमारा नंबर 3 स्टॉक है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इस स्टॉक में 750 रूपए के टारगेट के लिए 650 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी चाहिए। 2 से 3 हफ्ते में इस शेयर में 8% तक का रिटर्न देखने को मिल सकता है। हमारा सेकंड स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। इस स्टॉक में 2600 रूपए के लक्ष्य के लिए 2250 रूपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी चाहिए। 2 से 3 हफ्ते में ये शेयर 9% तक का रिटर्न दे सकता है। तो हमारा फर्स्ट नंबर स्टॉक है महानगर गैस। इस स्टॉक में 1430 रूपए के लक्ष्य के लिए 1150 रूपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी चाहिए। 2 से 3 हफ्ते में ये शेयर 13% तक का रिटर्न दे सकता है। तो ये थे वो शेयर जिनमें 2 से 3 हफ्तों में 13% तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोगों ने अभी तक क्रिप्टो में ट्रेड करना स्टार्ट नहीं किया तो हमने इंडिया के बेस्ट प्लेटफॉर्म बजीरेक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहां से जाकर क्रिप्टो में ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप वहां से भी अपना पैसा कई गुना कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।